नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 3 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। ठंड के कारण स्कूल बंद करने की अवधि बढ़ी। समूचे बिहार में ठंड अपने पैर पसारे हुए, कनकनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का घर से बाहर आना जाना भी मुश्किल सा हो गया है। पिछले 10 सालों में यह पहली बार हुआ है कि ठंड लगातार 15 दिनों से लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। इसी को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। अगर 5 जनवरी तक ठंड यूं ही बरकरार रहा तो इस तारीख को और ज्यादा आगे बढ़ाने पर भी सोच विचार किया जाएगा। बिहार में 22 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। नए साल शुरू होते ही बिहार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसके तहत नए साल के पहले दिन ही भारतीय पुलिस सेवा के 22 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें कि पटना एसएसपी के साथ साथ सिवान, मुंगेर, मोतिहारी और वैशाली के एसपी का भी तबादला किया गया है, जिसकी सूचना गृह विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिए दी है। मुख्यमंत्री ने सिख श्रद्धालुओं को बिहार म्यूजियम और राजगीर घूमने की दी नसीहत। 353वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के तख्त श्री हरिमंदिर पधारे सभी श्रद्धालुओं के सामने बिहार की जमकर तारीफ की। साथ ही साथ उन्होंने वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं से राजगीर और पटना के बिहार म्यूजियम में जाने की नसीहत भी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती का भरपूर फायदा उठाया और जमकर बिहार का गुणगान किया। बिहार म्यूजियम की तारीफ में उन्होंने कहा कि यह म्यूजियम इंटरनेशनल म्यूजियम है, जहां बिहार के सभी धरोहर की निशानी रखी गई है। बिहार के इन 3 जिलों में दौड़ेंगी 154 बसें। बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। निजी भागीदारी योजना के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने राज्य भर में बस चलाने की तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत अब बिहार के 3 जिले यानी कि भागलपुर, मुंगेर और जमुई डिपो से राज्य के सभी 77 सड़क मार्ग पर 154 बसों के चलाने की परियोजना पर काम करने की तैयारियां हो रही है। इस बाबत कुछ दिनों पहले ही क्षेत्रीय प्रबंधक ने राज्य मुख्यालय को निजी भागीदारी योजना के तहत इन वाहनों के परिचालन के लिए निविदा निकालने के लिए पत्र जारी किया था। पटना से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पटना से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को अब अपने रेल किराया ज्यादा देना होगा, क्योंकि रेलवे विभाग ने पटना से दिल्ली आने वाले ट्रेनों में दिए जा रहे किराए के दाम में इजाफा किया है, जिसके तहत अब पटना से दिल्ली स्लीपर क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को 20 रुपये ज्यादा देना होगा। वहीं एसी से सफर करने वाले यात्रियों को 40 रुपये ज्यादा देना होगा। कोहरे का असर अब रेलगाड़ियों पर भी। ठंड के कारण बन रहे कोहरे का सीधा असर अब ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है, जिसके तहत कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है तो कई ट्रेनों के समय में फेरबदल के साथ उनका परिचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में कोहरे को देखते हुए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। वहीं लगभग 21 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन के समय में बदलाव किया गया है, जिससे कि आम जनजीवन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के इन 3 स्कूलों की हर जगह हो रही है वाहवाही। किसी ने सच ही कहा है, किसी को भी इस भीड़ में अलग पहचान तब मिलेगी जब उसके सोचने का तरीका औरों से अलग होगा। ऐसा ही कुछ कारनामा बिहार के इन 3 स्कूलों ने कर दिखाया है, जिसके लिए हर कोई इसकी तारीफ करने में लगा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय आबिदपुर सीतामढ़ी ने अपने स्कूल परिसर में पुरानी बोतल और टायर के इस्तेमाल से स्कूल को सजाया है। वहीं समस्तीपुर की राजकीयकृत मध्य विद्यालय नंदिनी में हर कक्षा को रेल की बोगी का डिजाइन दिया गया है। वहीं वैशाली के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहीमपुर में चेतना सत्र को रोमांचक और अलग बनाया गया है, जिसके तहत चेतना सत्र में छात्रों को एक्सरसाइज म्यूजिक के माध्यम से करवाया जाता है। पटना में एक बार फिर शुरू हुआ पोस्टर का खेल। आगामी विधानसभा चुनाव आने से पहले ही सभी राजनीतिक दलों की रस्साकसी एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि एक बार फिर से बिहार में पोस्टर का खेल शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत इस बार जदयू ने की है। ज्ञात हो हाल ही में जदयू ने चुनाव आने से पहले ही पटना की सड़कों पर चुनावी साल में पोस्टर लगाया है, जिसमें कि पार्टी ने विपक्षी दलों से उनके 15 साल का हिसाब किताब मांगा है। पोस्टर के ऊपर साफ साफ लिखा है, हिसाब दो हिसाब लो। बोध गया दो मुहान पर बुद्ध की 30 फीट की विशाल प्रतिमा हुई स्थापित। बोध गया दो मुहान के पास कांस्य की बनी 30 फीट लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसके उद्घाटन का काम भी पूरे विधि विधान के साथ कर दिया गया है, जिसके पश्चात थेरवाद और महायान के बौद्ध गुरुओं ने सत्तू पाठ भी किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस नवनिर्मित मंदिर की स्थापना थाईलैंड के श्रद्धालुओं ने करवाया है और इसे बनाने में पूरे 3 साल का समय लगा है। औरंगाबाद के उमगा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मदनपुर प्रखंड के उमगा पहाड़ी पर स्थित भगवान सूर्य का ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राचीन उमगा मंदिर है। यह मंदिर जिले ही नहीं बल्कि राज्य की धरोहर सूची में शामिल है। 1496 ईस्वी पूर्व में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर के शिलालेख से पता चलता है कि पहले यह जगन्नाथ मंदिर था। मंदिर के निर्माण के समय में ही इसे सूर्यवंशीय राजा भैरद्रव ने इसके गृह भाग में बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा स्थापित किया था। बाद में यह प्रतिमा समाप्त हो गई थी। प्रतिमा को समाप्त होने के बाद भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित हुई, तब से यह मंदिर सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात हुआ।
जेई के पैटर्न में हुआ बदलाव। जेई परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। इस साल होने वाले जेई एग्जाम के पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेंस में पूछे जाने वाले 15 प्रश्नों में कोई ऑप्शन का प्रावधान नहीं देने का ऐलान किया है, जिसका ऐलान एनटीए ने एक आधिकारिक अधिसूचना के जारी किया है, जिसके बाद परीक्षा में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बजाय अब केवल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बाकी के सभी सवाल सब्जेक्टिव होंगे। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के सालाना इनकम की सूची हुई जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके मंत्रियों के सालाना इनकम की सूची जारी कर दी गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति के बारे में बात करें तो उनके पिछले साल के संपत्ति में पशुधन में इजाफा हुआ है, तो वहीं नकदी में गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि साल 2018 के मुकाबले इस साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 10 गाय और 7 बछड़े हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के संपत्ति का भी ब्यौरा जारी किया गया है। जून से लागू हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड। उक्त ऐलान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने किया है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि देश के 12 राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में फिलहाल वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा की शुरुआत हो गई है। वहीं समूचे देश में जून महीने से यह सुविधा चालू हो जाएगी। 2020 के प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित की गई उषा किरण खान। इस साल के शुरुआत में ही कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, मैथिली हिंदी की लेखिका उषा किरण खान को 2020 का पहला प्रबोध साहित्य सम्मान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी पुरस्कार समिति के प्रबंधक प्रोफेसर अभय नारायण ने दी है। ज्ञात हो उषा किरण खान को यह सम्मान अनुवाद साहित्य में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जा रहा है। बिहार के 9 जिलों की यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अपने जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस यात्रा के छठे चरण की शुरुआत 4 जनवरी को भागलपुर जिले से करेंगे, जो कि 7 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई जगहों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ जल जीवन हरियाली योजना के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी करेंगे, जिसकी शुरुआत वो बेगूसराय के साहेबपुर, कलाम के सादरपुर पूर्वी में नवनिर्मित कुओं और तालाबों का जायजा लेकर करेंगे। उसके बाद हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सम्मेलन का आह्वान भी करेंगे। तिपहिया वाहन को सीएनजी में कन्वर्ट कराने या नया खरीदने पर अनुदान हुआ शुरू। बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक कार और सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रावधान शुरू किया है, जिसके तहत जिला परिवहन कार्यालय अब उन सभी वाहन धारकों को अनुदान राशि देगा जो कि अपने 3 पहिए वाहन को सीएनजी में कन्वर्ट करवाते हैं या फिर सीएनजी वाली नई गाड़ी खरीदते हैं, जिसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इतना ही नहीं, जिला परिवहन विभाग ने यह भी साफ किया है कि सभी ग्राहकों को उनके अनुदान की राशि 21 दिन के अंदर अंदर मुहैया करवा दी जाएगी। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट करवाने की इस अनुदान राशि को पाने की सोच रहे हैं तो जल्दी करें। सुशील मोदी ने राजग की सफलता का किया दावा। इस चुनावी साल में हर कोई जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज होना चाहता है, जिसके लिए हर किसी ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सत्ता में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ वापसी का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि साल 2020 में बिहार में राजग की सफलता का नया कीर्तिमान गढ़ा जाएगा। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी ने यह बातें एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात के पश्चात मीडिया से बातचीत के दौरान की है। धर्मगुरु दलाई लामा का प्रवचन सत्र हो गया शुरू। बौद्ध धर्मगुरु के 14वें दलाई लामा का आध्यात्मिक प्रवचन सेशन कल यानी कि 2 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसको सुनने के लिए लामा भिक्षु और श्रद्धालुओं का एकत्रित हुआ था। यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और यूरोप के सभी श्रद्धालु दलाई लामा के अनुयायी धर्मगुरु का प्रवचन सुनने के लिए बोध गया पहुंचे थे। आगामी चुनाव में कांग्रेस दोहराएगी झारखंड नीति। झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन सरकार को मिली शानदार जीत के बाद अब कांग्रेस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी वही नीति अपनाने जा रही है, जिसके तहत झारखंड चुनाव से सीख लेकर अब वो बिहार की सबसे पुरानी पार्टी राजद के साथ जूनियर पार्टी की भूमिका में नजर आने की पूरी तैयारी कर चुका है। कांग्रेस के इस फैसले से यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस गठबंधन की राजनीति गणित को समझ चुकी है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गुरु गोविंद सिंह जी के 353वें जयंती को काफी लंबे समय से तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने भी अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हर साल गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को सिख समुदाय के लोग काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर और नालंदा के लिए किया बड़ा ऐलान। नए साल के शुभ अवसर पर नालंदा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही साथ यह ऐलान किया है कि साल 2020 नालंदा और राजगीर के लिए उपलब्धियों वाला साल होगा। इसके आगे उन्होंने कहा है कि नवनिर्मित योजनाओं के लोकार्पण के बाद राजगीर और नालंदा की पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी, जिससे कि अब नालंदा और राजगीर की प्रतिष्ठा देश में तो बढ़ेगी, इसके विकास की गूंज अब विदेशों तक भी सुनाई देगी।
अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। बिहार में लगातार ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। इस कड़ाके की ठंड में फिलहाल लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रहा है या नहीं। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,200 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,200 रुपए था, यानी कि सोना पिछले दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म रहा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,350 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.93 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 72.85 रुपए प्रति लीटर था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की समुद्र वाली तस्वीर लोगों को खूब आ रही है पसंद। बॉलीवुड के चर्चित कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर आए दिन एक साथ नजर आते हैं, हालांकि अभी तक दोनों ने ऑफिशियली अपने रिश्ते के बारे में खुलकर नहीं कहा है मगर आए दिन उनकी तस्वीरें मीडिया के अटकलों पर मुहर लगा देती है। हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें आलिया के साथ साथ रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी भी है। यह तस्वीर किसी समुद्र के किनारे की है जिसको शेयर करते हुए आलिया ने कैप्शन दिया है बेस्ट बॉयज एंड गुड गर्ल, जिसको अब सोशल मीडिया फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साल के पहले महीने जनवरी में भारत खेलेगा 10 मैच। भारतीय टीम को साल 2020 के पहले जनवरी के महीने में 10 मैच खेलने हैं जिसकी शुरुआत 5, 7 और 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ T20 खेलकर होगी। फिर भारतीय टीम अपने ही घर में 14, 17 और 19 को तीन वनडे मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी, जबकि 24, 26, 29 और 31 जनवरी को 5 T20 मैच के 4 मैच इस जनवरी न्यूजीलैंड के घर में खेलेगी। इस तरह भारत इस महीने 7 T20 और 3 वनडे मैच सहित कुल 10 मैच खेलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, 2020 में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।